आज समापन है। आपको बता दें कि आज सुबह का वक्त है और अब अर्घ देने का समय हो गया है। और आप देख सकते हैं ये रामरेखा घाट है, रामरेखा घाट के पास ये सारे लोग जो है छठ करने आए हैं और सुबह के समय में ये सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर्य भगवान जो है उदय होंगे और उसके बाद अर्घ दिया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना पेंडेमिक है, हर साल की कंपैरिजन में इस बार गैदरिंग थोड़ा कम है, कुछ लोग कम है। आप देख सकते हैं कि बक्सर का सबसे प्रमुख घाट ये रामरेखा घाट माना जाता है और ये खचाखच भरा रहता था हर साल, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि एक चौथाई लोग ही हैं, बहुत सीमित लोग आए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो अपील रही है, प्रशासन का जो गाइडलाइन रहा है, अपील किया गया है कि आप अपने पोखरा से, तालाब से या घरों से छठ करें, इसका असर दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से सामने आप देखेंगे यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है ताकि कहीं कोई अनहोनी ना हो पाए। खास करके जो जिला प्रशासन है वो छठ को लेकर लगातार मुस्तैद रहा और आप देख सकते हैं गंगा किनारे बैरिकेडिंग किया गया है और यह कोशिश है प्रशासन की कि कोई भी व्यक्ति जो है डुबकी ना लगाए, क्योंकि डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि अगर लोग डुबकी भी लगाते हैं तो उससे भी संक्रमण फैलने की आशंका है। यही वजह है कि बैरिकेडिंग करते वक्त इसका ख्याल रखा गया है कि लोग डुबकी ना लगा सके। और अब जो है ज्यादातर लोग अपना सूप जो है दौरी लेकर के गंगा किनारे आ चुके। हम सभी गंगा घाटों का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रामरेखा घाट है, इसके बाद लगातार जो बक्सर जिला का प्रमुख घाट है, ये सारे लोग यहाँ पे हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सूर्य भगवान का। और आपको बता दें कि इसको लेकर के जो जनप्रतिनिधि है वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी हमारे सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे यहाँ पे हैं और खास करके जो छठी व्रती लोग हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो इस तरीके से प्रतिनिधि लोग हैं, चाहे वो बक्सर के विधायक हो या बक्सर के एमपी हो, सभी लोगों ने कल जैसे शाम में मुन्ना तिवारी और संजय तिवारी एवं विश्वनाथ राम ने भी लोगों का अभिवादन किया। और अभी केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जो है लोगों के बीच में अभिवादन कर रहे हैं। ये पूरा आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, सारे जो छठव्रती महिला है वो सभी इंतजार कर रही है कि बहुत जल्द जो है सूर्य भगवान आएंगे और उनके सामने अर्घ दिया जाएगा। इस चूंकि सुबह का वक्त है तो मंत्री जी ने सूर्य को लेकर के मंत्र जाप भी किया, मंत्र भी सुनाया और सूर्य भगवान को लेकर मंत्र सुनाया अश्विनी चौबे ने। भगवान भास्कर को आज हम लोग अर्घ्य देने के लिए घाट पर इकट्ठा हुए हैं और भगवान भास्कर को प्रणाम करते हुए संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरा भारत कोरोना मुक्त हो और तमाम छठव्रतियों को हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके हर शुभ मंगल कार्य भारत के भविष्य के लिए ये छठी मैया की कृपा से तमाम छठव्रती माता बहन बड़ी संख्या में घाटों पर पहुँचे हैं। कल दिनारा उधर से होते हुए बोलनी भवानी धाम से आज गंगा किनारे में छठव्रती माता बहनों को प्रणाम करने यहाँ पहुँचे हैं। भगवान भास्कर अब जल्द ही उदय होने वाले हैं। ओम श्री सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम नमो श्री सूर्य नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते शिवादेवाय नमः। भगवान उदय होंगे और संपूर्ण मानवता का कल्याण करेंगे। आज इसी लोक आस्था के इस महान पर्व को हम सब लोग भाईचारे से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और आपस में सब लोगों का अच्छा संबंध हो, ये इस पर्व से हमें इस बात का प्रेरणा मिलता है। लोगों में गरीबों का कल्याण हो और सब प्रकार के ये समरसता के महान पर्व को हर साल हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस महान पर्व के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को, तमाम अपने संसदीय क्षेत्र के माता बहनों और भाइयों को और संपूर्ण बिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।